ਗੱਡੀ ਕੋਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੇ ਚਾਰ ਜਣੇ ਸੀ ਕਨਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਨਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਦਾ केजरीवाल जहाँ पे इलेक्शन होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लंबी में जाएं पंजाब के कोने कोने, 2017 में भी यही किया था, पूरे पंजाब में घूम के बहुत बड़े बड़े झूठ और बड़े बड़े वादे किए थे। लोगों ने उनकी सरकार में की इतनी ताकत दी कि ऑपोजिशन बने पंजाब पे, लेकिन 5 साल ना केजरीवाल नज़र आया और ना ही उनके कोई विधायक। बल्कि हाल ये हुआ कि कांग्रेस की बी टीम बनके साबित हुआ, जब 11 आदमी अब कांग्रेस में ही तकरीबन शामिल है। सो अब फिर दोबारा आए हैं, फिर झूठ बोले। जहां इलेक्शन होते हैं वहां केजरीवाल पहुंच जाते हैं और इलेक्शनों के बाद मुड़ के नज़र नहीं आते। आज यही कहूंगी कि जो झूठे लारे पंजाब में जो मुंगेरी लाल के सपने यहाँ के लोगों को दिखा रहे हैं, जे इनमें कुछ भी शर्म होती तो पहले अपने दिल्ली में लागू करते, तब दिल्ली मॉडल की बात करते, लेकिन यहाँ लोगों को गुमराह करने आए हैं। 20 दिसंबर को पंजाब का रेल आंदोलन शुरू होगा, कहते दिल्ली खत्म होगा पंजाब को दे दी, उस पर आपका क्या कहना? मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किसानों के साथ किए थे कि सारा कर्जा माफ़ करेंगे, घर घर नौकरी देंगे, अब समय आ गया है कि लोग उन चीज़ों का हिसाब किताब मांगें। और कई किसानों ने सरकार, जब एक मुख्यमंत्री होने वाले गुटका साहब के ऊपर कसम खाते हैं और कहते हैं कि मैं ये सब काम करूंगा, कर्जे सारे माफ़ करूंगा, तो फिर लोग विश्वास करके उन्होंने अपने कर्जे भरने बंद कर दिए, अपने इंटरेस्ट डालना बंद कर दिया, और जिस करके बहुत सारे डिफ़ॉल्टर हो गए, उनकी ज़मीनों की कुड़की तक हो गई। 5 साल निकल गए हैं, ये जितने भी आज बैठे हुए हैं मंत्री विधायक, ये सब इंसानों के वादे थे, किसी एक इंसान का नहीं, पूरी पार्टी का वादा था। अब समय आ गया, उनको हिसाब किताब लोगों को देना पड़ेगा। ऐलान किए जा रही है, पंजाब सरकार बार-बार ऐलानों की जड़ी लगा रही है। ऐलानिया जीत सिंह चन्नी है तो ऐलान ही करेंगे। केजरीवाल की जड़ी है, तिरंगा रैली का फायदा।